नमस्कार। फरीदाबाद में किशोर शर्मा और वोटिंग का आज दिन है। बड़खल गांव में पहुंचे हैं और यहां पर देख सकते हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और काफ़ी स्मूथ, लगभग 45% के आसपास मतदान जो अब तक हो चुका है। 5000 के आसपास जो है वोट अभी तक लोगों ने डाली हैं और हमारे साथ वोटर्स हैं, वोट डाल के आए हैं। डॉक्टर साहब, मतदान कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल कर दिया। क्या मतलब, क्या मन में क्या विचार रहे, क्या किन चीज़ों मुद्दों को लेकर आपने? देखिए, 10 साल पहले जो मुद्दे थे आज भी वही मुद्दे हैं, वही सड़क, वही सीवर, वही पानी, वही गटर, वही नाला। तो फिर 10 साल में क्या विकास हुआ? अगर हुआ है तो आप बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि वही हमारा सवाल हम पे दाग रहे हो। जब हमने बदलाव किया तो इन्हीं मुद्दों को लेकर किया कि ये सरकार ये कर नहीं रही है, ये नहीं कर रही है, और 10 साल बाद भी वही है, वही गटर, वही सीवर, वही सड़क, वही नाला। वैसे बड़ी हैं, कम नहीं हुई है? नहीं, अब 10 साल में जो आना चाहिए था, दो दो मंत्री यहाँ, केंद्रीय मंत्री यहाँ आनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी यहाँ आना चाहिए। तीन मंत्री रहे, सीमा तरखा रहे, मूलचंद शर्मा रहे और कृष्णपाल रहे, तीन मंत्री यहाँ पर रहे, फिर भी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आई, एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं आया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो फिर ये क्या विकास हुआ? इसलिए लोग जो है अब बदलाव चाहते हैं और लोगों ने ठान लिया कि इस बार हम लोग बड़खल विधानसभा में कैंडिडेट बदल देंगे। दूसरा कैंडिडेट आप बाहर से ले आके थोप रहे हैं, वो भी कैंडिडेट पर हजम तो बड़खल की जनता का क्या किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि आपको लाइन में 4-5 थे, क्या वो ईमानदार नहीं थे? अदला खाजी की ईमानदारी पर शक कर रहे हैं इसका मतलब? मैं क्यों शक कर रहा हूँ, उनके सारे FIR तो तैर रहे हैं मीडिया में, सारे उनके ऊपर जो FIR हुआ, 200 का घोटाला हुआ, हम थोड़े करें। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी कांग्रेसी इनको नहीं हरा रहा है, इनके भाजपा के कार्यकर्ता ही इनको हराने पर लगे हैं। सीमा त्रिखा कहाँ है आप बता दो, कहाँ है? इनके जितने कार्यकर्ता पुराने हैं, एक भी बता दो मैदान में हो, एक ये हमारा भाई है छोटा सा, यही अड़ा हुआ है, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, कट्टर कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के लोग ही इनको हरा देंगे। मेरे पास कल अधलखा जी आए थे, मैंने कहा कि आपको तो भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, हम लोग क्या हरा रहे हैं? बिल्कुल फूट है, जबरदस्त फूट है, कोई देना ही नहीं चाहता। वो तो देख ही लिया पूरा एरिया का क्या। नाम आपका? मेरा नाम समीम चौधरी है, मैं सोशल वर्कर हूँ और अपने लाइफ में ये एरिया चुना है मैंने बड़कल विधानसभा, और बड़कल विधानसभा में 25 दिन से मैं काम कर रही हूँ, पैदल एक एक घर में जाके वोट मांग रही हूँ। किसके लिए मांग रही हो? हमारे कांग्रेस अब की बार पार्टी से जुड़े हो, सोशल वर्कर हो? मैं सोशल वर्कर हूँ, पार्टी से वो जुड़ता है जिसे गली का कुत्ता ना जानता हो, मुझे दुनिया जानती है। सोशल वर्कर के लिए तो सारी पार्टी समान होती है। मैं, मेरी बात सुनिए, उसने काम तो नहीं करा किसी भी पार्टी ने, बताओ सीमा त्रिखा ने क्या किया है? किशन पाल आज 4-5 महीने हो गए बने हुए, अदलखा आया है, नया चेहरा है, अदलखा कोई मौका देकर देखो। अच्छा, चोर चोर को मतलब चोर, एक चोरनी को उतार दिया, दूसरे चोर को बैठा दे, एक चोर को हटा के सीमा त्रिखा ने काम नहीं करे, अदलखा को लोग लेकर सारी बड़कल विधानसभा के तरफ के आसपास के गरीब आदमी बसा दिया, उसे तो बनाए नहीं, उस चोरी को बना दे, फिर डबल चोर आ गया। तो देखो सीमा त्रिखा ने काम नहीं करे, पार्टी ने टिकट काट दी, लेकिन अदलखा है, नया चेहरा है, ईमानदार सोच है, ये हमारे बड़कल विधानसभा का नसीब खराब है जो आवाज नहीं विपक्ष उठाया। अगर विपक्ष आवाज उठाता ना और मेरे देशों को पहले पता चल जाता तो घर में सलाती सीमा त्रिखा को भी, और अब मैं कृष्ण पाल के पीछे पड़ गई हूँ। अगर मेरे मुझे कुछ हो भी गया रास्ते बीच में तो मेरी मौत का जिम्मेवार भी कृष्ण पाल और सीमा त्रिखा ही है। आप जहाँ खड़े हैं ये शिक्षा का मंदिर है, जब यही सीमा त्रिखा आई थी तो इसी मंच पर मैंने उनसे कहा था कि जब बारिश का मौसम आता है तो ये बच्चे पानी भर जाता है, अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तो 3 महीना पढ़ाई का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार तनख्वाह नहीं देती है? तो कम से कम इस विद्यालय को एक नई बिल्डिंग दिया जाए और एक ऊंची और एक अच्छी दी जाए। और सीमा त्रिखा ने कहा था कि हाँ, आज मैं देख रहा हूँ कि वही है, यहाँ तो आपको एक कुर्सी लगाने वाला चपरासी तक इस विद्यालय में नहीं है, इसमें कुर्सी की कमी। अब बताइए, जहाँ बच्चियों की संख्या 1100 हो और वहाँ बाथरूम ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और उसी जगह आप खड़े हैं, क्या कहेंगे जी आप?
आप धनेश अदलखा की टीम के हैं और मेहनत करें काफी टाइम। देखो जी, बहन जी ने जो काम नहीं करे उनका सभी को पता है, और अदलखा जी करेंगे। अब अदलखा जी करेंगे उनसे, आपको क्या पता है जी? आप अपनी पार्टी का देखते हो, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। अरे गुस्से की क्या बात है, साल का विकास भाई। आप इनको समीम चौधरी जी सुनो, चोर बोल रहे हैं। कितने पैसे लिए? हम पैसे का काम नहीं करते, हम पैसे के लिए तू चमचा किस? 15 लाख कहा था, किसी के पास 15 पैसे आए? 15 पैसे आए क्या? आपने मान लिया? झूठा, झूठा। तेरी शकल से चोर, शकल से चोर दिखाई दे रहा है, शकल से चोर नजर आ रहा है। तू चोर ना, आपने मान लिया? लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो किसी के। ईमानदारी हम भी ईमानदारी। तो फरीदाबाद ये डिबेट जो है अब एक युद्ध में बदल चुकी है, तो यही हम इसको बंद करते हैं फिलहाल। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैडम ने काम भी करा था और इसका टेंडर पास करा भी दिया, 4.5 करोड़ रुपए स्कूल का भी। और छोड़, कोई बात ना है। हेलो, अरे कोई बात नहीं, कर रहा जमरन दे। अरे था, हम भी तो ज्यादा आगे रहे, तू भी चमची है। दो दिन का चमची, अरे तू चमची दो दिन का आई है, इसकी उम्मीद तू दो दिन का चमची आई है। अरे चल ना, तू चमची दो दिन का आई है। ऐसा जी, मैं 4.5 करोड़ रुपए का इसमें उद्घाटन करा दिया मैडम ने, स्कूल में। टेंडर इसका पास हो चुका है, उद्घाटन इसका हो चुका था और 1,90,000 का टेंडर था, वो पास हो चुका। सुन, इसमें एक जो ठेकेदार था उसने GST के 18% का इस पे ठेकेदार ने नगर निगम पे केस डाल दिया था, जिसके कारण ये रोड नहीं बन पाया। 14,30,000 रोड की बात का, 14,30,000 रुपए वो पास हो चुके। 15 अगस्त को झंडा फहराया गया था, उस दिन हम घूमे थे। 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई, 20 तारीख को इसका उद्घाटन होना था। मैं सिर्फ बैंक की गारंटी बची हुई रोड का, बैंक की गारंटी बची हुई थी, वो बैंक की गारंटी में आचार संहिता में बैंक की गारंटी नहीं जा सकती और न भरी जा सकती, इसलिए कुल मिला के रोड का टेंडर पास हो चुका है, टेंडर वर्क ऑर्डर हो चुका है। सिर्फ इसकी बैंक की गारंटी है 1,02,90,000 प्लस 14,30,000, वो पास हो चुका है, ठेकेदार को ठेका दे दिया। 4.5 करोड़ रुपए का इसका उद्घाटन स्कूल का हो गया, 32 कमरे स्कूल में 32 कमरे बनेंगे। उद्घाटन हुआ है भाई? हुआ तो नहीं है उद्घाटन? उद्घाटन हुआ, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, उद्घाटन हो चुका है। आप एक मिनट भाई, सुनो मेरी बात। ओपिनियन ले, हाँ पहले पहले तो हमें बोल लेने दे, फिर तुम बोलिए। ठीक है, तुम मत पूछ, अब मैं साइलेंट, कोई नहीं, तुम्हारी गल होगी है, कोई बात नहीं है, आराम से। इसमें 4.5 करोड़ रुपए का जो पास हो चुका है, 30 कमरे प्लस 2 स्टोर रूम, 3 मंजिल। मैंने उसको ठेकेदार को दिखाया था कि रोड से ऊंचा बनाओगे, उन्होंने बोला जो ये रोड है इससे 2 फुट ऊपर करेंगे, बाकी काम हो जाएगा। बड़खल जो 10 साल से लोग परेशान थे, नर्क झेल रहे थे, वो उनको वो मिल जाएगा अब। और जो ये जो सीवर के काम के कारण जो अमृता योजना वाला जो मामला था, इन्होंने ये ठेकेदार जो था उसने वर्क ऑर्डर जो इसका हुआ, इसमें लेट लतीफी हुई थी जो इसके सीवर लाइन में, इसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। अब सारे काम कनेक्टिविटी, टेंडर कितने 10 साल का था, वो 20 साल का था? 10 साल का नहीं है, 3 साल का टेंडर था, ठेकेदार की कमी थी इसमें। हाँ, ठेकेदार की कमी कौन पब्लिक देखेगी? पब्लिक नहीं, ये तो सरकार पे बोझ पड़ रहा है, शासन देखेगा, विधायक देखेगा, जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है, ठेकेदार की कमी का जिम्मा पब्लिक पे नहीं थोप सकते आप। ठेकेदार वो सेंटर से था इसका सीवर का, कृष्णपाल जी लेकर आए थे। हाँ, कृष्णपाल जी लेकर आए थे, कृष्णपाल जी ने इसको प्रेशर देके इसकी कनेक्टिविटी, हमने जब कहा था कनेक्टिविटी कराओ और इसको रोड का काम चालू करो। सच्चाई तो ये है कि बड़खल गांव से जो है BJP को वोट नहीं मिली, इसलिए काम नहीं हुए, सब जगह अमृत योजना के तहत काम हुए, गांव ऐसा था जो 6 साल खुदा रहा। अब ऐसा जी, बड़खल जो काम हुए वो तो कहते नहीं है। क्या काम हुआ आप बताओ, काम बताओ। अच्छा जी, काम विकास की सुनो जी, 8, 9, 12 लगाई, रोड का काम पहले भी करा था, पिछले योजना में रोडों के काम कराए थे, जो सीवर की वजह से नहीं ये लेट लतीफी हुई थी और कोरोना हो ये रोड बने। और बड़कल लेक का भी काम हुआ है,
ठीक है जी, ठीक है जी। अनुमति है नहीं, यहाँ अनुमति नहीं है। कौन कर रहा है अनुमति? यहाँ नहीं है ना, बाहर रह गया। अच्छे फिर बोर्ड गिर रही है, अंदर की अनुमति है। बोर्ड तो अंदर गिर रही है, यहाँ गिर रही बोर्ड तो यही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम जुड़ गया। इधर लड़ाई हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। कोई लड़ाई कर रहा यार, कोई कोई भाई साहब, यहाँ की अनुमति होती है हम पे। सुनो तो इससे शांति के लिए कोई नहीं सकता। सुनो अपन ये देखो, सारे जितने खड़े ना सारे एक ही परिवार के निपट दो। हम पे अनुमति होती है, अंदर तक की अनुमति होती है, सारे एक ही परिवार के। सारा डाटा चेक कर सकते हैं। इससे शांति के लिए बहुत कहीं मिलेगा नहीं पूरे फरीदाबाद में आपको, आप निश्चिंत रहे। पता नहीं है, चलो हो जाएगा। आपका कर देंगे विकास। उनके तो ले लिए ओपिनियन, विकास वो है कहाँ? आप खुद ही बताओ ना, आप भी तो यही रहते हो। 10 साल और दे दो उनको। किसको दे दे? बीजेपी को। तो जब तक हमारे बालक बूढ़े हो जाएंगे, इनके बिहार रिश्ते नहीं होंगे, ये कहाँ जाएंगे? तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको। आप ही बता दो ना सच्चाई। और बता दी हमने तो, दिखाई भी है, दिखाई भी। गवर्नमेंट के अंदर कौन सा काम दिया बटकल का, वो भी बता दो, बताओ ना आप। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको। चर्चा जो है हॉट हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी, माहौल गर्मा चुका था। जोड़ेंगे आपको शहर के नए खबरों के साथ। बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।